हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा राइस केक, जो कि कोकोनट स्टफिंग से हम बनाएंगे। तो बहुत ही स्पंजी और बहुत ही डिलीशियस है, और इसको बनाना भी बहुत इजी है। आप इसको नाश्ते में नहीं तो डिनर में खा सकते हैं। तो चलिए पहले राइस का बैटर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हाफ कप इडली या डोसा वाला चावल, जो उबाल हुआ चावल होता है, और हाफ कप मैं ली हूँ उड़द दाल, मतलब सेम क्वांटिटी का ही आपको लेना है। इसको अच्छे से धो लीजिए। 6 घंटा के लिए इसको भिगो के रख देंगे। 6 घंटा के बाद देखिए ये कितना अच्छे से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और थोड़ा सा पानी देके हम इसको फाइनली ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अच्छे से एक फाइन बैटर बन गया है, और 4 घंटा हम छोड़ देंगे। चलिए कोकोनट स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा ली हूँ घी। घी का आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा गुड फैट होता है। इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड आलमंड, चॉप्ड काजू, फिर चॉप्ड पिस्ताचिओ। ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। लो फ्लेम में ही आपको धीरे धीरे करके चलाना है 1 मिनट के लिए। फिर मैं जागरी पाउडर 1/2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें 2 स्पून ही डाल रही हूँ ये पानी, क्योंकि जागरी जल जाने का भी चांसेस है, इसलिए आप थोड़ा पानी डाल के कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा स्टिकी हुआ कि नहीं चेक करते हैं। मैं पानी में 1 बूंद डाल के चेक कर रही हूँ, स्टिकी नहीं हुआ है। थोड़ी देर के लिए और बना लेंगे। तब तक मैं डाल रही हूँ ये जो है कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर, ये है मेरा ब्लैक पेपर पाउडर। तो फिर उसके बाद ये ग्रेटेड कोकोनट में डाल के रखी हूँ। ये देखिए ग्रेटेड कोकोनट को हम डाल देंगे इसमें, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम में बनाएं। और देखिए अभी जो रोस्टेड वाला नट्स हम रखे थे, इसको भी हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट को 1 पिंच ही मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मिठास वाला कुछ भी खाने में आप अगर थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो उसका ज़्यादा मीठा टेस्ट नहीं आएगा। इस वक्त आप अगर चाहते हैं तो आप ग्रेट करके पनीर भी डाल सकते हैं। ये रेडी हो गया है। चलिए हमारे केक टिन को हम ग्रीस कर लेते हैं। इसमें ही मैं वो केक बनाऊंगी। आपके पास कुछ भी मोल्ड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल बोल में भी सेम प्रोसेस। आप ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा डस्टिंग कर लेंगे व्हीट फ्लोर, मतलब आटा से हो जाएगा। ये देखिए मैं 2 स्पून ही डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट बैटर में। ये 4 घंटे के बाद बहुत अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है। गर्मी में थोड़ा जल्दी हो जाता है, आपके सीजन के हिसाब से आपको टाइम ज़्यादा कम करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से फॉर्मेंट हुआ है देखिए, और मैं इसका एक थिक लेयर अभी डाल रही हूँ बैटर का। इसके ऊपर मैं एक्चुअली 2 टिन में बना रही हूँ ना, तो दोनों में सेम प्रोसेस। फिर इसके ऊपर थोड़ा कोकोनट स्टफिंग में डाल रही हूँ। धीरे धीरे हल्का हल्का करके डालेंगे, क्योंकि चांसेस है कोकोनट स्टफिंग नीचे जा सकता है। तो आपको अगर बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर वाला कोकोनट स्टफिंग चाहिए तो यहाँ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस दूसरा टिन में भी मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं एक थोड़ा छोटा सा और थोड़ा बड़ा सा टिन ली हूँ, ताकि छोटा के ऊपर मैं बड़ा रख के दोनों को ही एक साथ बेक कर लूँगी। फिर इसके ऊपर एक थिन लेयर का राइस बैटर हम डाल देंगे। थिन लेयर क्यों, नीचे थिक लेयर क्यों, क्योंकि कोकोनट स्टफिंग नीचे जाने के चांसेस हैं। तो अब जब हम बेकिंग करेंगे ना तो इक्वली नहीं दिखेगा, इसलिए नीचे थिक और ऊपर थिन। देखिए जितना पतला हो सके ऊपर वाला रखिए, कवर कर लीजिए अच्छे से। और ये दोनों हमारा रेडी है बेक करने के लिए। चलिए मैं एक पतीला में स्टैंड रखी हूँ, उसको थोड़ा प्रीहीट कर दी हूँ 2 मिनट के लिए। इसके ऊपर ही मैं दोनों केक टिन को रख रही हूँ, और कवर करके इसको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में ही आप इसको पकाएं, हाई फ्लेम मत कीजिए। देखिए मैं 15 मिनट के बाद इसको मैं एक टूथपिक डाल दूँगी। 20 मिनट ऑलमोस्ट हो गया है। टूथपिक अंदर डाल के जैसे केक चेक करते हैं ना, वैसे ही आपको देखिए मेरा टूथपिक पूरा क्लीन निकल गया, मतलब ये हो गया है। तो हम इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक छोड़ देंगे। और नीचे वाला भी मैं चेक कर रही हूँ, सेम मतलब अच्छे से पक गया है। और इसको नॉर्मल टेम्परेचर हो जाने के बाद अभी डीमोल्ड करेंगे। देखिए साइड ऑलमोस्ट छोड़ चुका है, और नाइफ से थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए कितना आराम से वो निकल रहा है, क्योंकि हम अच्छे से इसको ग्रीस किए थे। वाओ, सो परफेक्ट है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप जिसे भी मन करे आप जैसे शेप में कट करके इसको खा सकते हैं। मैं इसको बस स्क्वायर शेप में ही कट कर रही हूँ। मुझे कभी भी अगर मीठा खाने का मन करता है और बहुत ज़्यादा भूख लगा है ना, मैं इसको बना के खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही
इसी है। उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है रजो बोल के, तो रजो में हम लोग बनाते हैं एक केक, उसका नाम क्या है अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट मी डाउन। और ये देखिए कितना डिलीशियस है, मुझे मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी है। आप कभी भी इसको बना सकते हैं, आप ज़रूर इसको बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।